हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर एक आरोप में तुरंत इनसे इस्तीफा भी ले लिया गया था। जहां इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री से भी आप इस्तीफा ले सकते हैं, वहां इस तरह के आरोपों के घेरे में फंसा मंत्रियों के साथ आप आज सरकार में महागठबंधन के सरकार में है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहां गया वो जीरो टॉलरेंस? माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी चीजें लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सारी चीजें आपकी छूटती चली जा रही। महोदय, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, यह हमारी कोई बातें नहीं है। जो महागठबंधन जिन कारणों से आज सब एक गठबंधन के नीचे सरकार बनाए हैं, उन्होंने कब कब किनको क्या क्या कहा था, उसकी एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद कराना चाहते हैं कि जब आप याद कीजिए अपने पुराने दिनों को, जब जनता पार्टी से लेकर लोकदल, जनता दल, समता पार्टी का जो यह आपका लंबा सफर तय हुआ, आपने कितनों को राजनीतिक बलि दी है, याद करें। महोदय, जॉर्ज फर्नांडिस एवं शरद जी को भी इन्होंने बलि देने का काम किया है। महोदय, जिन्हें ये मित्र कहते हैं, श्री लालू प्रसाद जी, ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, ऐसा काम किया आप जिनके साथ नाता तोड़े हैं, उसने आपको भी ठगा है तेजस्वी जी। महोदय, तेजस्वी जी, आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम है। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। बिहार की जनता समझ रही है। महोदय तेजस्वी जी, आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं। जब उस समय शिक्षक और छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकार से आपने अस्थायी शिक्षक नियुक्ति की मांग की थी, और उसके प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो रिकॉर्डेड है, सिर्फ उसकी पंक्तियों को हम कहना चाहते हैं। कहां से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन? कहां से लाएंगे पैसा? जाली नोट लेकर आएंगे? अभी जेल से नोट भेजेंगे और देंगे? कहां से देंगे वेतन के लिए पैसा? ये आपने जो घोटाला शब्द का प्रयोग किया, जाली नोट का प्रयोग किया, जेल से नोट लाने की जो बात कही, आखिर किस संदर्भ में कही माननीय मुख्यमंत्री जी? इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता बिहार में समाप्त हो चुकी। श्री लालू प्रसाद जी ने आपको पलटू राम कहा कि संज्ञा दी, अब ये पूरे बिहार की जनता बोल रही है, बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है जो थोड़ा भी राजनीतिक सूझ रखता है। महोदय, आप ऐसे नेतृत्वकर्ता जिस पर एनडीए ने भरोसा किया था, आज पूरा बिहार आप पर शर्मसार हो रहा है। महोदय, तेजस्वी जी आज यहां बैठे हैं, अपने चाचा जी के बारे में एबीपी चैनल को उन्होंने एक बार कहा था, उसकी पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं, वकील लाइए, एफिडेविट करवा लीजिए, नीतीश जी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। ये अचानक क्रेडिबिलिटी इनकी फिर वापस भी हो गई है, इसलिए इनके साथ हो गए हैं।
महोदय, एक अन्य चैनल में भी इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति को सिर्फ कुर्सी से प्यार हो उसकी क्या गारंटी है। नीतीश जी वापस आ जाए और फिर से वापस नहीं चले जाए, ऐसे लोगों को फिर से मौका देना तो सबसे बड़ी मूर्ख की तरह होगा। ये श्री तेजस्वी यादव जी ने श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कहा है। महोदय, माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने भी इनके बारे में टिप्पणी की कि नीतीश जी के पेट में दांत है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, श्री ललन जी ने भी कहा कि श्री नीतीश कुमार जी के अत्रि में दांत है। ये मैंने कहा महोदय, ये आप ही लोग कह रहे हैं महोदय। और उन्होंने, श्री लालू प्रसाद जी ने एक बात और कहा कि जब जब बीमारी का ये बहाना बनाते हैं, जब जब ये बीमारी का बहाना बनाते हैं तो नीतीश कुमार तो समझ लो कि पलटनी मारने की तैयारी चल रही है। महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी एक बात कही थी, सिर्फ उसको हम दोहराना चाहते हैं। आज तक के चैनल के एक रिपोर्टर को उन्होंने कहा था कि आरजेडी और जेडीयू के विलय के लिए हमारे सामने लालू जी को समझा रहे थे कि देखिए ऐसा करिए कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दीजिए, जेडीयू पार्टी का विलय आरजेडी में करा दीजिए, उसके बाद 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा नीतीश जी का कहना है। उसी इंटरव्यू में तेजस्वी जी ने, आपने भी कहा था, पहले प्रायोजन आरजेडी के साथ विलय का था, बात नहीं बनी तो वह कांग्रेस में चारा डालना शुरू किए। देखिए नीतीश जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारे चाचा बिहार में बहुत कोशिश किए, खुद तो नहीं बोलते लेकिन बुलवाने में माहिर हैं, दिखते ऐसे हैं जैसे किसी चीज में फंसना नहीं चाहते लेकिन फील्डिंग करते रहते हैं, और इसी फील्डिंग का ये परिणाम है, ये लोग उधर हैं, हम लोग इधर हैं।